होना चाहिए जरूर जरूर, क्योंकि बिग बॉस का घर वाकई जब राखी नहीं हो तो एंटरटेनमेंट हो ही नहीं पाता है, चाहे कोई भी। अरे करने दो इन लोगों को, बगैर एंटरटेनमेंट के रहने दो पब्लिक को, इनको मालूम पड़े कि राखी रहती है तो क्या कभी चुड़ैल बनती, कभी भूत बनती, स्पाइडरमैन कितना एंटरटेन करती है, स्पाइडरमैन बनती क्या अलग अलग, इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को। अब बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो, तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के। अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठे हुए। अगर आपको हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठना था तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं था, आप बाहर ही रहते। हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज जीरो और हड्डियों का ढांचा बन के आते और आप हाई सोसाइटी बन के बैठते। आप एक रियलिटी शो में है, रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को, देश की जनता को एंटरटेन करना, जो कि मैंने किया है। आज आधी रात को भी मेरे को बिग बॉस में डाल देना, मैं ऐसा ऐसा करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगी ना, वो शालीन का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा सबका। शालीन दोस्त है मेरा टीना, ये सब दोस्त है लेकिन अंदर जाके मुरझा गए। ये लोग स्टार्टिंग में तो चले जाते हैं सलमान खान को शायद में, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब तक बिग बॉस में कोई अंदर नहीं जाता ना, बाहर एकदम ताजा ताजा रहता है, बाहर अंदर जाके मुर्दा बन ही जाता है। तो इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए हमको भेजते हैं, मैं गधे का इंजेक्शन हूँ जीता जागता। हाँ मैं ऐसा इंजेक्शन हूँ जाकर लोगों को मारती हूँ, मैं वो कोरोना और गधे का इंजेक्शन हूँ, डोज हूँ मैं बहुत बड़ा। काटू लगाने वाले पापा तुमको, काटू पापा तुम्हें काटू, मुझे बहुत साजिद खान के ऊपर भी शैलेंद्र चोपड़ा बहुत।